नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ हमारे एक स्टॉक के बारे में पूरा डिस्कस करने वाला हूं। वो स्टॉक का एनालिसिस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और वो स्टॉक को मैंने इतने परसेंटेज तक होल्ड कैसे किया वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। अभी ये जो स्टॉक है इसको मैंने 12 अप्रैल को हमारी स्टॉक बॉक्स करके एक सर्विस है उसमें हम लोगों ने ये स्टॉक को रिकमेंड किया था और अप्रैल मंथ में मैंने मेरे पीएमएस क्लाइंट्स में भी ये स्टॉक को खरीदा था। अभी ये जो स्टॉक का प्राइस है वो प्राइस के हिसाब से मुझे ऑलमोस्ट 150% से ज्यादा रिटर्न अभी मिल रहा है। अभी मैं आप लोगों के साथ आज के वीडियो में ये स्टॉक को मैंने क्यों खरीदा था उसका एनालिसिस शेयर करूंगा और वो टाइम पे मेरा स्टॉप लॉस क्या था, वो टाइम पे मेरा जो टारगेट मैंने डिसाइड किया था, टाइम पे मैंने टोटल 2 टारगेट डिसाइड किए थे मुझे आज भी याद है, पर वो टारगेट पे मैंने एग्जिट ज्यादा नहीं की अपनी क्वांटिटी और स्टिल मैं ये स्टॉक को अभी भी होल्ड कर रहा हूँ। तो इन शॉर्ट आज का जो वीडियो है वो हमारा मेरे एक स्टॉक के पीछे का एनालिसिस और उसके पीछे की साइकोलॉजी के रिलेटेड मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अब मुझे पता नहीं है कि ये वीडियो देखने से आप लोगों का क्या फायदा होगा, बट बिलीव मी आप लोगों को एक चीज ये जरूर पता चलेगी कि ये स्टॉक को खरीदने के पीछे का मेरा एनालिसिस क्या था और मैंने ये स्टॉक को अब तक इतना होल्ड क्यों करके रखा है। देखो, मैंने बहुत लोगों को देखा है वो राइट स्टॉक खरीद तो लेते हैं पर उसको प्रॉपर राइड नहीं कर पाते। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो ये जो स्टॉक मैंने खरीदा है ना, शायद आप लोगों ने भी ये स्टॉक को खरीदा होगा पास्ट में या पिछले 2-3 महीने में, पर आपने इतने परसेंटेज तक अभी तक होल्ड नहीं किया होगा। उसका रीजन क्या है, हम लोग कभी भी कोई स्टॉक खरीदते हैं और हम लोगों को उसमें 5% या 10% प्रॉफिट मिलता है तो हम लोग हैप्पीली एग्जिट हो जाते हैं। हम लोग ऐसा सोचते हैं, अरे बाप रे मुझे इतना प्रॉफिट मिल गया, इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। 10% और 5% प्रॉफिट अगर हम लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात करें तो बहुत छोटा प्रॉफिट होता है। तो आज के वीडियो में मैं जो आप लोगों के साथ स्टॉक बताने वाला हूं उसमें हम लोगों को ऑलमोस्ट 150% रिटर्न अभी भी मिल रहा है और वो स्टॉक का नाम क्या है और वो स्टॉक को मैंने क्यों अभी तक होल्ड करके रखा है उसका प्रॉपर एनालिसिस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिससे आप लोगों को भी एक आइडिया आ जाएगी कि अगर नेक्स्ट टाइम कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले तो आप लोगों को भी क्या रिएक्ट करना है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग मेरे स्क्रीन पे जाते हैं और देखते हैं कि वो स्टॉक कौन सा था और उसमें मेरा प्रॉपर एनालिसिस क्या था। तो अभी आप लोग जो स्क्रीन पे चार्ट देख रहे हो ना, ये JSW एनर्जी का चार्ट है। अभी आप लोगों को पता ही होगा कि मैं जनरली कोई भी स्कैनर को फॉलो नहीं करता, मैं हमेशा ये देखता हूँ कि कौन से स्टॉक 52 वीक हाई या लाइफ टाइम हाई के आसपास चल रहे हैं। अभी ये देखने से क्या फायदा होता है ना, जनरली जो 52 वीक हाई वाले स्टॉक होते हैं या फिर लाइफ टाइम हाई वाले स्टॉक होते हैं उनमें स्ट्रेंथ ज्यादा होती है तो वहां पे आप लोगों को मोमेंटम ज्यादा देखने मिलता है। तो अभी मैं भी ऐसे ही एक दिन बैठा था और मैंने अप्रैल मंथ में मैं अपने मिड कैप वाले स्टॉक्स को स्कैन कर रहा था। मतलब मैं जनरली कैसे स्कैन करता हूँ, जितने भी मिड कैप में स्टॉक है सारे स्टॉक्स का मैं चार्ट देखता हूँ। अगर आप लोग ये चीज रोज नहीं कर पाते हो तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट वीक में एक बार मिड कैप या स्मॉल कैप के सारे स्टॉक्स एक बार आप मैन्युअली स्कैन करिए, चार्ट देखिए उसका। तो आप लोग जो ये चार्ट देख रहे हो JSW एनर्जी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अभी मैं आप लोगों के साथ वो पूरा एनालिसिस शेयर करूंगा जो वो टाइम पे मैंने किया था। अभी देखो, मैं जनरली क्या है ना कि स्मॉल कैप और मिड कैप वाले स्टॉक्स को स्कैन करते रहता हूँ, तो वो टाइम पे भी अप्रैल मंथ में भी मैं अपनी रेगुलर एक्टिविटीज कर रहा था, हमारे स्टॉक्स को स्कैन कर रहा था मिड कैप या स्मॉल कैप में से। अब अगर आप ये रेजिस्टेंस को देखोगे ना तो ये 2015 का एक रेजिस्टेंस था और मैंने ये चीज नोटिस की कि ये स्टॉक ने 2018 में भी ये रेजिस्टेंस को मतलब अटेम्प्ट किया था पर ब्रेक नहीं कर पाया था। अब ये टाइम ऐसा था अप्रैल मंथ वाला जहां पे सारे एनर्जी वाले स्टॉक चल रहे थे तो मैंने सोचा कि यार ये स्टॉक को भी मुझे देखना चाहिए और लकीली ये मेरे वो 52 वीक वाले स्कैनर में भी आ गया था। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ ना, स्टॉक ने 1 अप्रैल वाले वीक में यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया। अभी इसका जो ब्रेकआउट प्राइस था वो 96 के आसपास था और इसका जो वीकली क्लोज था वो 100 रुपीज था। अभी मेरे लिए बहुत ही क्लियर हो गया था कि मुझे नेक्स्ट वीक में JSW एनर्जी में एंटर होना है समवेयर अराउंड 96-97 के आसपास और इसमें जो मेरा स्टॉप लॉस है वो टाइम पे मैंने अपना जो स्टॉप लॉस था वो 80 रुपीज को रखा था। अब आप यहाँ पे देख ही सकते हो कि अगर आप किसी स्टॉक को 96 में खरीद रहे हो, आपका स्टॉप लॉस 80 रुपीज है तो ये एक रिस्क बहुत छोटा रिस्क है अगर आपको अच्छे से प्ले करना है तो शॉर्ट टर्म डिलीवरी के लिए। अब मैंने ये स्टॉक को जूम आउट करके इसका टारगेट फाइंड आउट करने की कोशिश की थी वो टाइम पे, तो वहां पे मुझे जो अपना फर्स्ट टारगेट है वो 126 मिला और मेरा जो सेकेंड टारगेट है विच इज लाइफ टाइम हाई वो मुझे मिला 136 के आसपास। अब मैंने यहाँ पे ये सोचा कि बॉस अगर मैं ये स्टॉक को 97 पे खरीदता हूँ
मेरा स्टॉप लॉस जो है वो 80 रुपीस का है और मेरा इसमें फर्स्ट टारगेट 126, सेकेंड टारगेट 137 है। तो वो टाइम पे मैंने इसमें कैलकुलेट किया था, जो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो 1:2.5 बन रहा था। अब देखो, जनरली मैं किसी भी शॉर्ट टर्म डिलीवरी वाले स्टॉक को खरीदता हूँ ना, तो मैं ट्राई करता हूँ कि मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वो 1:3 से ज्यादा हो। उसके रिलेटेड अगर आपको पूरा वीडियो समझना है कि रिस्क टू रिवॉर्ड को कैसे हैंडल करना है, पोजीशन साइजिंग क्या होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे आई कार्ड में एक अपना वीडियो डाल दूंगा जिसमें मैंने ये चीजों को डिटेल में समझाया था। तो अभी यहाँ पे मैंने ऐसा सोचा कि बॉस, इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:3 तो नहीं है, बट यस, ये स्टॉक मुझे प्रॉमिसिंग लग रहा है, शायद ये स्टॉक अपना लाइफ टाइम हाई लेवल भी ब्रेकआउट कर सकता है, विच इज 137। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जहां पे ये स्टॉक ने ब्रेकआउट किया था उसके नेक्स्ट वीक में मैं अपने जितने भी PMS क्लाइंट थे उसके अंदर ये स्टॉक को खरीद रहा था और हम लोगों ने हमारे स्टॉक बॉक्स वाले क्लाइंट्स को भी ये स्टॉक रिकमेंड किया था इन द मंथ ऑफ अप्रैल। और मुझे आज भी याद है वो 12th अप्रैल का डेट था जब हमारे स्टॉक बॉक्स वाले क्लाइंट्स को मैंने ये JSW एनर्जी रेकमेंड किया था। अब देखो, यहाँ पे मैंने ये स्टॉक खरीद तो लिया, मैंने ये स्टॉक के बारे में सब कुछ देख लिया। अब मैंने यहाँ पे ये चीज को प्रॉपरली डिसाइड कर लिया था कि ये स्टॉक में जो मेरी फर्स्ट एग्जिट होगी वो 126 से लेके 130 रुपीस के बीच में होगी। ये स्टॉक ने थोड़े टाइम के बाद, आप यहाँ पे देख सकते हो, ब्रेकआउट करने के बाद ये स्टॉक अच्छी तरीके से सस्टेन कर रहा था। इसकी ये वाली जो नेक्स्ट वीक वाली कैंडल थी, यही वीक कैंडल में मैंने एंट्री ली थी। उसके बाद अगर आप देख सकते हो तो ये स्टॉक ने बहुत अच्छी तरीके से, मतलब ऑलमोस्ट 1, 2, 3, 4 वीक्स में इसने ऑलमोस्ट 126 रुपीस को रीच कर लिया था। उसके बाद हमारा जो टारगेट था वो समवेयर अराउंड 130 था। तो हमारे खरीदने के ऑलमोस्ट 2 महीने बाद या 3 महीने बाद आप बोल सकते हो कि ये 136 पे आ गया था। मेरे यहाँ पे मैंने जो आप लोगों को बताया कि मैंने ये स्टॉक में पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मैं 136 से लेके 125 के बीच में अपनी फर्स्ट एग्जिट करूंगा। बिकॉज देखो, जब भी आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हो तो आपकी प्रॉफिट बुकिंग भी उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना क्यों सोचा, बिकॉज ये अपने लाइफ टाइम हाई रेजिस्टेंस पे आया था। जनरली स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई रेजिस्टेंस पे आके थोड़ा सा पॉज लेते हैं या तो फिर वहीं से गिर जाते हैं, पर ये स्टॉक में ऐसा नहीं हुआ, ये स्टॉक में कुछ उल्टा ही हुआ। पर फिर भी हम लोग ने यहाँ पे, हमारे जितने भी स्टॉक बॉक्स वाले क्लाइंट है उनको हम लोगों ने ये रिकमेंडेशन दी कि बॉस, आप अपनी 30% जो पोजिशन है वो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। तो वो स्टॉक्स में हमारे क्लाइंट लोगों ने एग्जिट की, हमने भी थोड़ी बहुत एग्जिट कर ली थी यहाँ पे PMS वाले क्लाइंट में। और फिर मैंने ये स्टॉक को मंथली चार्ट में मूव किया। अभी मेरा मंथली चार्ट में आने का रीजन ये था कि ये स्टॉक अपना लाइफ टाइम हाई लेवल ब्रेक कर रहा था। अगर ये स्टॉक और ऊपर जाने वाला है तो मुझे एक बड़ा ट्रेड मिल सकता है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगेन ये स्टॉक ने पहला जो ब्रेकआउट था जहां पे हम लोग ने एंट्री ली थी वो 96 रुपीस का था। अब ये स्टॉक मंथली चार्ट में ब्रेकआउट कर रहा था, तो इसका मंथली जो ब्रेकआउट था वो 2010 का रेजिस्टेंस, ये अभी 2021 में ब्रेकआउट कर रहा था। अब आप लोगों को ये भी पता है कि भाई, अगर कोई स्टॉक लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है तो उसका रेंज कैलकुलेशन निकाल के हम लोग टारगेट उसका कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब एक एक्सपेक्टेड टारगेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये स्टॉक में जो मेरा फर्स्ट टारगेट आ रहा था वो समवेयर अराउंड 239 रुपीज आ रहा था, विच इज राउंड फिगर अगर हम लोग कर दे तो 240 रुपीज आ रहा था। अभी देखो, मैंने हमारे जितने भी क्लाइंट थे उन लोगों का स्टॉक 130 के आसपास मैंने एग्जिट कर लिया था, पर ये टाइम पे मैंने सिर्फ 30% क्वांटिटी एग्जिट की थी, बिकॉज मैं ये लाइफ टाइम हाई वाले ब्रेकआउट को भी प्ले करना चाहता था। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि बॉस, ये 240 टारगेट इसका बहुत अच्छा है और ये बहुत ही, मतलब पोटेंशियल है, ये स्टॉक में पोटेंशियल थी कि ये स्टॉक 240 तक आ सकता है। क्योंकि इसका ब्रेकआउट अगर आप देखो यहाँ पे, तो ये स्टॉक ने जो ब्रेकआउट दिया था वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिया था। अभी आप देखो, हमने ये स्टॉक को खरीदा था अप्रैल मंथ में, इसके ये वाले कैंडल को अगर आप इग्नोर करोगे जो मंथ में हमने बाय किया था, 2 मंथ में ये स्टॉक ने 96 से ऑलमोस्ट 167 रुपीस तक आ गया था। अभी ये वाला जो ब्रेकआउट है, ये मंथली ब्रेकआउट, ये हुआ जून मंथ में। अब मेरे लिए बहुत ही सिंपल था कि ये जो हमारा एक एक्सपेक्टेड टारगेट है विच इज 240, ये स्टॉक जब भी वहां पे आएगा तभी मैं अपनी थोड़ी बहुत पोजीशन को एग्जिट करूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये स्टॉक ने जुलाई मंथ में ही, मतलब अभी भी जुलाई मंथ हमारा खत्म नहीं हुआ है, पर ये स्टॉक ने ऑलमोस्ट जुलाई मंथ में, बिकॉज जब भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो टाइम पे भी ये स्टॉक ने अपना लाइफ टाइम हाई लेवल किया है। ये स्टॉक अभी 255 चल रहा है। अगर आप कैलकुलेट करोगे 96 रुपीज से लेके 255 रुपीज,
तो ये ऑलमोस्ट आ रहा है समवेयर अराउंड 160% का रिटर्न। अब आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि ये स्टॉक में हम लोग ने बाय किया था अप्रैल मंथ में, और अप्रैल मंथ के बाद हम लोग ने दो बार ये स्टॉक में प्रॉफिट बुक कर लिया है। अगर मैं क्वांटिटी वाइज बोलूं तो हमारी जो टोटल क्वांटिटी थी उसमें से हमने 70% क्वांटिटी में अभी प्रॉफिट बुक कर लिया है, और अभी भी मैं ये स्टॉक में 30% क्वांटिटी होल्ड कर रहा हूं। आपको मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल के दिखा दूंगा, जितने भी मेरे पीएमएस क्लाइंट है उनमें मैं अभी भी ये स्टॉक में 30% क्वांटिटी होल्ड कर रहा हूं, और ये स्टॉक में हम लोगों को करंट मार्केट प्राइस से ऑलमोस्ट 160% का रिटर्न मिल रहा है। अब देखिए, अभी ये स्टॉक जो है वो ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, तो यहां पे आप टारगेट इसका कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो अभी मैंने क्या सोचा है ना, जो भी मेरी 30% क्वांटिटी है जिसको मैं होल्ड कर रहा हूं उसको मैं ट्रेल करूंगा, मतलब उसका मैं स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करूंगा। अगर आप लोगों को ये नहीं पता है कि मैं अपने स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेल करता हूं, तो उसके रिलेटेड भी मैंने हमारे यूट्यूब चैनल पे एक पूरा वीडियो बनाया है, जहां पे मैंने आप लोगों के साथ 3 से लेके 4 मतलब स्ट्रैटेजी डिस्कस की थी जिसके बेसिस पे आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो। तो उसकी लिंक मैं यहाँ पे ऊपर आई कार्ड में डाल दूंगा, तो आप वहां पे देख सकते हो और आप लोगों को भी आइडिया आ जाएगी कि विजय ने ये स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेल किया। अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये मुझे 160% जो प्रॉफिट है अभी जो मुझे करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से मिल रहा है, ये परसेंटेज तक मैं रुका कैसे? देखो, जब भी कोई स्टॉक वीकली या मंथली में ब्रेकआउट देता है ना, तो उसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल होता है एक अच्छा रिटर्न देने के लिए। पर जनरली एज अ ट्रेडर हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग डेली बेसिस की मूवमेंट्स देखते हैं मार्केट में, आज मार्केट नीचे गिरा, आज मार्केट ऊपर हुआ, ये सारी चीजें हम लोग देखते रहते हैं, और सोशल मीडिया भी कुछ कम नहीं है, मतलब कंटिन्यूसली हम लोगों को नए नए स्टॉक्स की रिकमेंडेशन आती है और बहुत कुछ चलते रहता है मार्केट में डेली बेसिस पे। तो हम लोग क्या है ना कि ये सारी माइक्रो एक्टिविटीज को देखते हैं, हम लोग कभी भी ऐसा मैक्रो सिनेरियो को नहीं देखते कि भाई मार्केट अभी कौन से मोड में जा रहा है, कौन सा सेक्टर ज्यादा अच्छा है। तो वो टाइम पे मैंने नोटिस किया था कि एनर्जी सेक्टर के स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और मैंने ये स्टॉक में पोजीशन ली और अभी ये स्टॉक में मुझे एक अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। तो सिंपल सी बात है, जब भी कोई स्टॉक ब्रेकआउट करता है आप अपना स्टॉप लॉस और टारगेट कैलकुलेट करिए। अगर आपका स्टॉक अपने एक्सपेक्टेड टारगेट प्राइस के पास आता है तो ऑब्वियसली आप थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो आपको करनी ही चाहिए। पर अगर आप ये नोटिस कर रहे हो कि वो स्टॉक वहां पे भी एक अच्छा ब्रेकआउट कर रहा है, तो फिर आप लोगों को वापस से वो स्टॉक को रिव्यू करने की जरूरत है। क्या यहाँ पे आप लोगों को 100% क्वांटिटी एग्जिट कर देनी चाहिए या फिर थोड़ी परसेंटेज क्वांटिटी एग्जिट करके थोड़ी क्वांटिटी को आपको ट्रेल करना चाहिए, तभी आप कम ट्रेड करके ज्यादा पैसा कमा सकते हो। तो ये मतलब हमने जो स्टॉक बॉक्स सर्विस रखी है, जो मैं अपने पीएमएस क्लाइंट्स की सर्विस लेता हूँ, उसमें जो मेरा कॉन्सेप्ट है ना वो यही है, ट्रेड लेस अर्न मोर। अभी इसका मतलब बोलने में बहुत ही इजी चीज है, पर इसको फॉलो करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज डेली बेसिस पे हम लोगों को नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती है। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है ना कि आपको स्टॉक को रिजेक्ट करना है। बहुत सारे स्टॉक्स आते हैं आपके स्कैन में, आप लोगों को खरीदना नहीं है, आपको वही स्टॉक खरीदना है जिसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है, जिसका ब्रेकआउट स्ट्रांग है। तो ये था मेरा पूरा एनालिसिस कि मैंने JSW एनर्जी को क्यों खरीदा था, मेरा वो टाइम पे स्टॉप लॉस क्या था और मेरा ये स्टॉक को होल्ड करने का रीजन क्या था, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने ये स्टॉक को दो पार्ट में अभी तक प्रॉफिट बुकिंग क्यों की। अगर आप लोगों को भी ऐसा टेक्निकल एनालिसिस या प्योर प्राइस एक्शन के बारे में और ज्यादा सीखना है तो आप लोग मेरा आने वाला वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हो जो अगस्त मंथ में है, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को जरूर लाइक करिए, और हाँ, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि भाई आज के वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ कुछ नॉलेजेबल चीज डिस्कस की है, तो आप लोग मेरा ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो और आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हम लोग मिलेंगे कोई ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।